क्या कहोगे जो आम आदमी पार्टी ने किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत की। केंद्र सरकार पिछले एक साल से किसानों के प्रति जितना उदासीन है हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 महीने से ऊपर, लगभग 10 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिल के किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये जब 3 अध्यादेश आए थे उस समय इसका विरोध शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने ना संसद में सांसदों की सुनी और ना ही किसान संगठनों से बात की और जल्दबाजी में अडानी और अंबानी के दबाव में ये 3 बिल लेकर आई। 3 बिलों को भी वोटिंग मांगने के बाद भी बिना वोटिंग के उन 3 बिलों को पास किया, गैर कानूनी तरीके से किया। जब अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव हम लाए तो उसको भी बिना वोटिंग के अविश्वास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने शुरू के 1-2 महीने तो बात की, उसके बाद बात करनी बंद कर दी। जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, खट्टर साहब ने कभी इनको आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी ये कहा कि इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान के अंदर है। फर्जी मुकदमे बनवाए, लाठीचार्ज कराए, आंसू गैस के गोले छोड़े, कंटीले तार बिछवा दिए, बॉर्डर खुदवा दिए, जैसे सचमुच में आतंकवादी दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से स्टेडियम मांगे गए किसानों को जेल बनाने में रखने के लिए। अरविंद जी ने कहा कि मैं किसान को जेल में नहीं जाने दूंगा, उसके लिए स्टेडियम नहीं दूंगा। केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 26 जनवरी के दिन लाल किले से पवित्र तिरंगे से छेड़छाड़ करके इस पवित्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो तिरंगे से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति बीजेपी का पदाधिकारी निकला। माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी फोटो आई और अब वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया, अन्यथा किसानों को फांसी चढ़ा देते। आप यात्रा को कैसा समर्थन मिला? मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमने इन सब बातों को लेके जो 600 किसान शहीद हुए उनकी शहादत को शहीद का दर्जा देने के लिए मांग को लेके, जो 600 किसान शहीद हुए उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी की मांग को लेके, ये झूठे फर्जी मुकदमे खत्म करने की मांग को लेके, 3 काले कानून विड्रॉ करने की बात को लेके, MSP का कानून बनाने की बात को लेके, और सबसे भयंकर बात जो खट्टर सरकार ने जमीन छीननी शुरू कर दी किसान की, श्यामला ठूला, श्यामला पाना, श्यामला दे की जमीन आज हरियाणा में बिना कृपा मुआवजा दिए हुए सरकार के नाम चढ़ गई है। और 24 अगस्त को हरियाणा के विधानसभा में कानून पास हुआ कि अब किसान की जमीन अक्वायर करने के लिए 70% किसानों की सहमति की जरूरत नहीं है, यानी कि हरियाणा में अब अडानी और अंबानी जमीन को पसंद करेंगे और खट्टर साहब एक्वायर करके किसान को देंगे। इन सब बातों के खिलाफ ये यात्रा हमने 5 तारीख को शुरू की थी छोटू राम जी की समाधि से, और आज ये गांधी जी की स्मृति स्थल पे यहाँ पे ये यात्रा समाप्त हो रही है। 22 के 22 जिलों में ये यात्रा गई, पूरे के पूरे 90 विधानसभाओं में ये यात्रा गई। किसानों को जगाने का काम इस यात्रा ने किया, भरपूर समर्थन इस यात्रा का हर विधानसभा से, हर शहर से, हर गांव से मिला। हजारों की संख्या में लोग साथ चले, कई सौ गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जैसा जिसके पास व्हीकल था वो साथ में चला, और किसान उन्होंने अपनी परेशानी जगह जगह रुक के बताई कि किस प्रकार खट्टर सरकार उनको परेशान कर रही है, किस प्रकार किसानों की आज़ादी के 73 साल बाद भी बदहाली है, कर्ज के बोझ के नीचे डूबे पड़े हुए हैं, किस प्रकार किसानों के ऊपर डंडे बरसाए गए, ये सारी बातें भी किसानों ने हमारे से करी और इस यात्रा को पूरा आशीर्वाद मिला। नेशनल मीडिया के माध्यम से ये केंद्र सरकार पे और हरियाणा सरकार पे कुछ ना कुछ दबाव बनेगा ताकि किसानों की समस्याओं को हल कर सके। जो आंधी बरसात तूफान के अंदर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, 9 महीने से ऊपर घर छोड़ के बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं,
उनकी समस्या को इज्जतपूर्वक हल निकाल के तीनों काले कानूनों को वापस लेके किसान को घर भेज। पंजाब में सीएम चेंज कर दिया, चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है, दलित नेता है, आम आदमी पार्टी वहाँ अपना भविष्य देख रही थी, आगे किस तरह का देखते हैं आप? मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने जो अपराध पहले किए हैं, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार पहले किया है, उसकी फाइलें दिखा के बीजेपी या तो इनको खरीद लेती है और नहीं तो इनको तोड़ देती है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा, आपने गोवा में देखा, आपने राजस्थान में देखा होगा कैसे कैसे, और यही एक चक्र पंजाब में चला है। क्योंकि पंजाब कैप्टन हरमिंदर सिंह दिल्ली आते थे, किसान से नहीं मिलते थे, अमित शाह से मिलते थे, और दो दिन पहले उन्होंने बयान भी दिया था कि आंदोलन करना है तो हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ। वो उनकी बीजेपी से साठ गांठ की चीज़ें सामने साफ आ रही है। बीजेपी जिस प्रकार हरियाणा में किसानों को परेशान कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस पंजाब में परेशान करना शुरू कर रही है। पिछले दिनों गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदले हैं, वो किस तरह से नजरिए से? आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ दबाव है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो गुजरात हो, इनकी नींद आराम हो गई है। क्योंकि जो दिल्ली मॉडल है वो सिर चढ़ के बोल रहा है, उत्तराखंड में बदलेंगे, सब जगह और ये परिवर्तन आएगा। आप देखें, अरविंद केजरीवाल जी को देश के लोग प्रधानमंत्री के रूप के अंदर देखना चाहते हैं। याद गुप्ता जी, आपने बताया यहाँ पे तीन कृषि कानूनों को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में कोई वोटिंग नहीं हुई, लेकिन वोटिंग तो हुई है, लेकिन विपक्ष के पास नंबर नहीं था। नहीं, मैं आपको बता दूँ, वोटिंग की हमने डिमांड की थी और उपसभापति हरिवंश जी उस समय बैठे हुए थे, उन्होंने वोटिंग करा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हाउस डिस्टर्बड है, मगर जो लोग सीट पे बैठ के वोट की डिमांड कर रहे थे, वोटिंग होनी चाहिए थी कानून निर्देश का। अगर एक सांसद भी डिमांड करता है, दूसरी तरफ चाहे 500 सांसद हो, तो वोटिंग करानी पड़ेगी। ये देश का कानून है, देश का संविधान ये बात बोलता है। लेकिन भाजपा का तो दावा है कि वोटिंग हुई है, और वोटिंग के आधार नहीं, दावा क्या है, तो रिकॉर्ड की चीज़ है, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। आप राज्यसभा का रिकॉर्ड निकलवा लें, राज्यसभा में उस दिन वोटिंग नहीं और वोटिंग का डिमांड की गई। बिल पारित किया गया, देंगे क्या किसान को? 100% MSP मिलनी चाहिए और बेहतर MSP मिलनी चाहिए। उनके मुंह में जीरा जो देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। संजय।